देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, नमस्कार, देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित लिखी गई पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से लालू प्रसाद यादव पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि विमोचन करने के बाद संबोधन के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खूब बरस गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। साफ साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी चारों तरफ घूम घूम के डाका डाल रहे हैं और खुद सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पहले आप इस वीडियो में देखिए। समारोह में उपस्थित विद्वानजन, सभी भाई और बहनों, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे अभिन्न मित्र छोटे भाई नीतीश कुमार के ऊपर श्री उदयकांत जी ने पुस्तक लिखा है उनके जीवनी के संबंध में, और मुझे लोकार्पण करने का मौका दिया। ऐसे समय में हो रहा है कि हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नष्टाबूत करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए देश से। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया, गरीबी और गुर्बत मिटाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और हमारे देश को देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरे हो रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये किताब बिल्कुल इस देश भर में लोगों को एक ज्योति प्रकाश करेगा, बताएगा। यूँ तो नीतीश कुमार और मैं साथ साथ रहे हैं। जब हमारी सरकार दिल्ली में थी, उन दिनों में बीपी सिंह जी के समय में, तो नीतीश कुमार और हमें ये काफ़ी उम्मीद था कि हम लोगों को दिल्ली के सरकार में हम लोगों को स्थान मिलेगा। हम और नीतीश कुमार जी बराबर कपड़ा अपना पहन ओन के, ड्रेस पहन करके हम लोग सब तैयार रहते थे कि हम लोग का ओथ होगा, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। शरद यादव जी नहीं हैं, हम लोग के साथ में थे और वे मंत्री बने थे दिल्ली की सरकार में, और हम लोग को बताया गया था कि नीतीश जी और आपका ओथ एक साथ होगा और हम लोग प्रतीक्षा में थे। लेकिन नीतीश कुमार का और मेरा
ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी दिल्ली में मंत्री बने वहाँ। और देश के सेवा में, देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में मंडल कमीशन को लागू करने में, पिछड़े दलित अकलियत के लोगों को काफ़ी ऊंचा स्थान देने में हम लोगों ने काफ़ी अपना समय बिताया और आज भी बिता रहे हैं। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है। अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और MLA लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई है। दिल्ली के बाद वहाँ महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर बाधी है, बिहार पर बाधी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हमारे जो भाई हैं, और आजकल देख रहे होंगे आप कि ये बात चल रही है कि सभी लोग को सभी लोगों को इकट्ठा। तो अभी आपने देखा लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया कि अब तो MP और MLA को खरीदना आम बात है, और वही नहीं ये भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी चारों तरफ घूम घूम के डाका डाल रहे हैं, खुद सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते हैं। और वही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरीके से NCP में टूट हुई उसके बाद लगातार BJP के लोग ये बातें कहते थे कि बिहार में भी टूट होगी, इसको लेकर भी लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया कि ये बिहार है, यहाँ पर उड़ती चिड़िया को हरदी लगाया जाता है और नरेंद्र मोदी की सरकार की सफाया बिहार से ही होगी। और भी क्या कुछ कहना था लालू प्रसाद यादव का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।